अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चरगा। चरगे के लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है कि आपने चिकन, पूरा चिकन ले लेना है ऐसे ही। और अब आप, मैं आपको बताऊंगी कि इनको कट लगाने पड़ेंगे। हमें कट लगाएंगे पूरी मुर्गी को, आप ऐसे ही कट लगा लेंगे। क्योंकि कट आपके जितने गहरे होंगे मसाला इतना ही अंदर तक जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी मुर्गी को भी कट लगाएंगे। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, चिकन को हम कट लगा चुके हैं। अब आपने एक बर्तन में पानी ले लेना है। आपके पास जितना बड़ा बर्तन होगा, यानी कि इससे भी बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो होते हैं वो नमक के डाल देने हैं। जी, हमने 3 बड़े चम्मच नमक के डाले। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप तकरीबन तकरीबन 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इस चिकन को इसके अंदर डबो के रख देंगे। इससे ये होता है कि जो आपका नमक है, जब आप चरगा बनाते हैं तो आपको फीकापन महसूस ना हो, इसके अंदर तक आपका नमक चला जाता है और आपको खाने में बहुत अच्छा फील होता है। इस तरह अगर आप पानी में तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए, अगर आपके पास कम वक्त है तो ठीक है, 1 घंटे के लिए भिगो के रख लें, नहीं तो 2 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखें। अब हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं अभी चिकन निकालने लगी हूँ, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक टोकरी में रखेंगे। और फिर मसाला तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले आप चरगे के लिए क्या करेंगे, मैरिनेशन आप जस्ट लेमन में भी कर सकते हैं, लेमन जूस में भी, वैसे भी मसालों को मिक्स करके कर सकते हैं, लेकिन मैं दही डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि मैरिनेशन में ये हेल्प आउट करती है, बहुत जल्दी मसाला मीट के अंदर तक जाता है। तकरीबन हमें 3 चम्मच चाहिए। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधा चम्मच कर लें आप के लहसुन पाउडर डालूंगी। अगर आप लहसुन पाउडर नहीं है आपके पास, कोई खर्च नहीं है, आप दूसरा भी वैसे जो लहसुन होता है वो क्रश करके वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये मसाले हैं जो मैंने मिक्स किए, जिसमें मैंने ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, थोड़ी सी सौंफ वगैरह डाल के ये मैंने पीसे हैं। ये मैं तकरीबन 3 चम्मच डालूँगी, 1, 2 और 3। ये मैंने सूखा धनिया है मेरे पास, ये हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच। अब आप क्या डालेंगे, अब आप डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो दाढ़ा मिर्च होती है वो तकरीबन आप 1 चम्मच डाल लें, 2 डाल लें, जितनी आप स्पाइसी चाहते हैं उस हिसाब से डाल लें। ठीक है, मैं तकरीबन 2.5 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 1 पैकेट बाज़ारी मसाला डाल लें, जो बाज़ार से होते हैं, शान का हो, नेशनल का हो, जिस भी कंपनी का हो। अगर नहीं डालना चाहते तब भी ठीक है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो जर्दी पाउडर होता है, जर्दी कलर होता है, वो ऐड करेंगे। तकरीबन ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब आप इस सारे मसाले को
लेमन जूस डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस आप अपने हिसाब से डालें जितना आप इसका टेस्ट चाहते हैं वो डालें, और इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करके आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 या 3 चम्मच, 1 2 3, तकरीबन 3 चम्मच। इससे ये होता है कि मसाला बहुत अच्छी तरह मीट के अंदर तक जाता है, जैसे दही। जी फ्रेंड्स, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। एक बात और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जर्दी कलर ऐड क्यों किया। जर्दी कलर इसलिए ऐड किया कि आपने चरगा देखा होगा कि हमेशा थोड़ा सा रेड रेड होता है। जब आप जर्दी कलर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से आपका चरगा रेड होता है। अब हम एक चिकन इसमें रखेंगे, ठीक है। अब हम चरगे को एक एक करके मसाला लगा लेंगे। मसाला जो कट है वो आप ख्याल रखिए कि गहरे हों और अंदर तक मसाला जाना चाहिए, ऐसे ही आप दूसरे चिकन को भी मसाला लगाएंगे। और तकरीबन मसाला लगा के आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आपने इतना पानी लेना है स्टीम के लिए कि ऊपर आपके चिकन को टच ना करे। अब इसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो सबसे बेस्ट है। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं इसमें बनाने लगी हूँ। ये मैंने प्लेट रखी। जी फ्रेंड्स, आपने टांगों को इस तरह से बांध लेना है किसी भी धागे से। मैंने बांध ली। मेरे पास उसको कवर करने के लिए जो कवर है वो छोटा है। अब मैं इसको फॉइल से कवर करूँगी। चलो जी फ्रेंड्स, मैंने इसको कवर कर लिया। आँच मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की। अब हम इसको क्या करेंगे कि तकरीबन 45 मिनट्स के लिए इसको स्टीम करेंगे। और जो सेकेंडली है वो मैंने ये जो मसाला बचा इसको वेस्ट नहीं करूँगी। जब ये स्टीम हो जाएगा, अगर मुझे लगे कि मुझे और मसाला इसमें ऐड करना चाहिए, इसी मसाले में मैं दोबारा फ्राई करूँगी। ये मसाला लगा के हम फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब हम स्टीम होने तक इंतज़ार करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा चिकन गल चुका है। ये देख लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गला है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा, आप टेस्ट कर लें अगर मसाला ठीक है, नहीं तो आप जो मसाला बचा हुआ है वो भी लगा सकते हैं। जी आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। आपने कुछ ज़्यादा ही गर्म करना है, तेज़ हीट तेज़ आंच पे गर्म कर लें। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने आंच हल्की कर देनी है, और फिर एक एक करके चिकन डालेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, हमने एक चिकन डाल लिया। अब इसको फ्राई करेंगे। मेरा बर्तन छोटा है इसलिए मैं एक एक करके फ्राई करूँगी। जब ये इस तरह फ्राई हो जाए तो आप दूसरा फ्राई करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आंच आपकी हल्की हो, तेज़ आंच पे आप ऑयल गर्म करेंगे। उसके बाद आप आंच को स्लो कर देंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए, और फिर एक को फ्राई करके हम फिर दूसरा फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा चरगा तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आया है। अगर आप इसको और डार्क करना चाहते हैं तो आप जो जर्दी कलर है वो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही पसंद है इसलिए मैं ऐसा इतना ही कलर रखती हूँ दोनों साइडों से। माशाल्लाह अब हम ये जो हमने धागा बांधा था, अब फ्राई करने के बाद हम इसको काट लेंगे। आप ही ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। और एक और बात कि जो मसाला है उसमें मैंने एक जो बाहर का यूज़ किया, जो घर का किया उसमें दालचीनी, सब्ज़ इलायची, लौंग, ज़ीरा, तेज़पत्ता, ये डाल के मैंने उसको ग्राइंड किया था। आप ही इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बहुत मज़े का बनेगा।
चलेंगे। चलन जी नई वीडियो तक लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।